फ्रेंड्स के पास। क्या देखो छत बेबी। हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। आज का ब्लॉग हो रहा है बस से स्टार्ट, हिमाचल की नॉर्मल बस से स्टार्ट हो रहा है और मैं बैठी हूँ बस में। और आज बहुत 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 स्पेशल डे है क्योंकि मैं जा रही हूँ अपनी फ्रेंड से मिलने, वो भी मैं उसके साथ 15 साल बाद उससे मिलने वाली हूँ। और ब्लॉग एकदम से स्टार्ट हो गया तो पहले मेरा कुछ प्लान नहीं था, बड़ी मुश्किल से। आज वैसे संडे था और संडे के दिन थोड़ा जाना बड़ा मुश्किल हो जाता है, हर जगह कंस्ट्रक्शन चली हुई है। कंस्ट्रक्शन की वजह से ना रोड इतना ख़राब है कि अब ऐसे बस में गाड़ी में धक्के खाते, मतलब ज़्यादा डिस्टेंस में नहीं है, थोड़ा डिस्टेंस में, पर फिर भी बहुत ही ज़्यादा लगता है। और सामने देखो कितनी प्यारी सी स्नोफॉल हुआ है पहाड़ों पर जो दिख रहा है, और इस तरफ कंस्ट्रक्शन चली हुई है। तो आज मेरा एकदम से ही, वैसे तो 2-3 दिन से मैं सोच रही थी, बट एकदम से ही प्लान बन गया कि मैंने कहा मैं बस में ही चली जाती हूँ यार। क्योंकि अगर किसी से मिलना हो ना तो फिर प्लान बनाते 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 वो प्लान कभी चलता ही नहीं है, और अगर खुद से सोच रहे हो कि जाना ही जाना है फिर अपने आप चले जाओ तो ठीक है। तो इसलिए मैं बस में बैठी और जा रही हूँ अपनी फ्रेंड से मिलने, और आप लोगों को भी आगे दिखाने वाली हूँ। एक्चुअली स्कूल के बाद हमारा कॉन्टैक्ट दोनों का ही छूट गया था, और भी दो फ्रेंड्स थे पर सबका छूट गया था, उनके साथ मेरा कॉन्टैक्ट हुआ है। और बहुत टाइम से वो भी मुझे बोल रहे थे और मैं भी उनको बोल रही थी, तो आज फाइनली मैं उनसे मिलने जा रही हूँ। और वो है गगल में, शाहपुर से गगल का 40 मिनट में हम लोग पहुँच जाएंगे। और अपनी फ्रेंड के पास जा रही हूँ, बट मुझे दिख नहीं रही है वो कहाँ पे है यार, कॉल करना पड़ेगा मुझे शायद उसको, ट्रैफिक है बहुत ज़्यादा। और ये रहे मेरे फ्रेंड के बच्चे, और हम लोग ना पहले क्लिनिक में थोड़ी देर बैठे और वैसे ही थोड़ा प्लान बन गया कि हम लोग जाते हैं डोमिनोज। पहले तो मैंने लंच करना ही नहीं था पर 3 लोगों ने बहुत ज़्यादा फोर्स किया, मेरी फ्रेंड बोलती चलो चलो चलो, तो हम लोग एक स्कूटी में, मैं और मेरी फ्रेंड, और दूसरी स्कूटी में जीजू और उनके बच्चे आ रहे हैं। तो हम लोग जा रहे हैं अभी डोमिनोज, और डोमिनोज कांगड़ा में। मुझे गर्मी लग नहीं रही है आज, मुझे बाहर आती भी नहीं, प्लस मुझे वहाँ कर्नाटक के अकॉर्डिंग यहाँ पर गर्मी लग ही नहीं रही है। मैं तो भूल सी भी गई हूँ, पता नहीं कहाँ है। इतना कुछ इन लोगों ने ऑर्डर कर दिया था मेरा लिटरली, मैं बहुत कम खाती हूँ बाहर का, बट आज मेरे को देख के ऐसा लग रहा था कि यार नहीं नहीं आज खा ही लेती हूँ। और ये रही सामने मेरी फ्रेंड, 15 साल बाद मिल रही है। और ये रहे ट्विंस हुए हैं दोनों बच्चे मेरी फ्रेंड के, और पीछे से आपको दिख रहे होंगे जीजू आ रहे हैं। सब कुछ ख़त्म वतम खाने के बाद हम लोग जा रहे हैं वापस, और बीच में मुझे गगल मेरी फ्रेंड छोड़ने वाली है, उसके बाद मैं बस में जाऊंगी। तो एक्चुअल में मेरी फ्रेंड, मैं आई थिंक सेकेंड टाइम किसी की स्कूटी में पीछे बैठी हूँ, अदरवाइज मैं खुद ही ड्राइव करती हूँ स्कूटी, मैक्सिमम मैं खुद ही ड्राइव करती हूँ। मेरी फ्रेंड बार बार मुझे फोर्स करी है कि घर चलो, पर घर गई तो और ज़्यादा समय लग जाएगा। ऑलरेडी मैं विवान को घर छोड़ के आई हूँ, और साथ में एक छोटा बच्चा और है घर में शिबा, तो जो बहुत ज़्यादा परेशान करता है, इसलिए मेरे को बहुत जल्दी है घर जाने की कि मैं मिल लूँ और फटाफट घर चली जाऊँ। बट ये लोग बोल रहे हैं कि चलो, मैंने ना ज़्यादा नहीं तो घर के बाहर से ही घर देखती हुई मैं चली जाऊँगी, ताकि नेक्स्ट टाइम जब भी आऊँ तो मुझे पता हो कि आपका घर कहाँ है। कभी भी नोटिस करना ना कि जब भी पीछे वाली बाइक या स्कूटी के पीछे बैठे थे ना, बड़ा सुकून मिलता तो है। मैं थोड़ा फ्री हो के आई थी, बट कुछ ज़्यादा ही तबाही मचाई हुई है। ये जा रोड जाता है ना, ये वाला रोड जाता है घर को, आगे वाला। अच्छा, उस रोड को बगली चौक बोलते हैं। अच्छा, बगली चौक। मैंने बस में भी चले जाना था वैसे यार। कितना पीछे कितना प्लेन रोड है, और एक तरफ कनक की कटाई लगी हुई है, और इस तरफ देखो सारे खेत जो कनक वनक कट रही है। और ये सामने, वो सामने जा रहे हैं, सामने वाली स्कूटी है जीजू की है, और ये रहा मेरी फ्रेंड का घर। तो आगे से मुझे याद रहेगा कि ये मेरी फ्रेंड का घर है, तो मुझे किसी को लाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, मैं खुद ही आ जाऊँगी। तो मैं वही अभी इनको बोल रही हूँ कि नेक्स्ट टाइम मैं खुद आ जाऊँगी और आपको लाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो इससे आगे मेरी फ्रेंड मुझे गगल तक छोड़ेगी, उसके बाद मैं बस में जाऊँगी। Let's go.
भगवान को देखना। दो करोड़ रुपए जीतने वाला है। कौन सा, ये कौन है? जो भी है ब्रजेश कोई। ये कौन है? ये मम्मी है। कितने नंबर पे मम्मी? 12 नंबर पे। ना ना, 12 नंबर पे कहाँ है, 1 करोड़ कुछ रैंक चला हुआ है। ये पता नहीं, मेरे को तो फेक लगता है ये ड्रीम इलेवन वगैरह, पता नहीं, मैं विश्वास नहीं करती सब पे। इसको खोलो, इसको खोलो। हम पहुंचे हैं आज घूम फिर के घर पे। शिवा को भी लेके आया करो। क्या देखा पे मैच है धर्मशाला में? मैंने आयुर्वेदिक तेल बनाया। देखो फोन आ रहा है आपका, बज रहा है स्मेल लाइक आपका ही। बोल तो रहा ही नहीं है फोन किसका है। बोलता था, पता नहीं किसी किसी बोलते किसका ऐसा भी है क्या? एक बार बोलता है वो बार बार नहीं बोलता शायद। पता नहीं। देखो देखो छोटी भैया, छोटी भैया, छोटी भैया। क्या देखो छोटी बेबी, ये बेबी छोटी बेबी। छोटी बेबी, छोटी बेबी, छोटी बेबी। भाभी देखो, भाभी बंद करो। इसकी मम्मा बुला रही है, आ जाओ। इसकी मम्मा बुला रही, देखो आ जाओ, आ जाओ इधर आओ। अपने बच्चों से कितना प्यार होता है यार, भी मान मान रहा। आ जाओ, आ जाओ। उसको दुद्धू पीना ना अपनी मम्मा को, देखो तभी गया वो। उसको दुद्धू पीना बच्चे पागल। नहीं जाना बाहर, बोलो। वो तो उसको उसको तो भूख लगी ना, छोटी बेबी को भूख नहीं लगी उसको। शीप है वो, क्या शीप। इसको ले आओ बच्चे, इसको कैसे लेके आना बताओ। उसकी मम्मा रो रही है, उसकी मम्मा बोल रही है कि मेरे बेबी को मत लेके जाओ, मेरे बेबी को मत लेके जाओ। फिर छोटी बेबी, वो तो कितना प्यारा है, है ना? उसको भूखू लगी ना भूखू। थैंक यू फॉर वॉचिंग। और लास्ट की थोड़ी सी पिक्चर्स जो मैंने क्लिक की थी और मैं यहाँ पे लास्ट में ऐड कर रही हूँ। और ये रहा, विवान को बहुत पसंद है, सच में एनिमल बहुत पसंद है। और ये बहुत अच्छा सा आसमान। थैंक यू फॉर वॉचिंग, सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर। बाय बाय।